गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 4, जिसमें हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा। हमने इसमें शब्द की परिभाषा पढ़ी कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, कोई उसका अर्थ निकलता हो, इस समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों के समूह से जिसका कोई विशेष अर्थ प्रकट हो रहा हो, उससे उस समूह को वाक्य कहते हैं। ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं, और जब उन्हें बिना क्रम के क्रम में लिखा जाता है, इधर उधर किसी भी के बिना क्रम के लिख दिया जाता है, तो वे शब्द कहलाते हैं। और शब्दों का जो क्रम होता है व्याकरणिक दृष्टि से, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उस क्रम में जब हम वाक्य शब्दों को व्यवस्थित करके लिखते हैं तो वह वाक्य बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा था वाक्य रचना या शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के वर्गीकरण में मूल रूप से शब्द को कितने आधार पर हम बांट सकते हैं, शब्द के भेद के बारे में हमने जाना, जिसमें 5 भेद हमने पढ़े थे, 5 प्रकार पढ़े थे। उसमें सबसे पहले हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण पढ़ा था। तो उसमें भी 5 वर्गीकरण किए जाते हैं शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, कि वो शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया है। इसमें सबसे पहले हमने तत्सम शब्द पढ़ा, यानी जो संस्कृत की मूल शब्द है, वो उन्हें हम एज इट इज़ जब यूज़ करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाए। उन तत्सम शब्दों का जब रूप बिगड़ जाता है या बाद में हमने कुछ और रूप में उन्हें लिखते हैं, बोलते हैं, तो वे तद्भव शब्द कहलाए। तो इस प्रकार तत्सम शब्दों से बिगड़ने से बने शब्द तद्भव शब्द। उसके बाद विदेशी और देशी देशज शब्द पढ़े। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई आधार पता नहीं है कि वो शब्द कहाँ से आए, लेकिन वो विदेशी शब्दों से भी नहीं है, बल्कि हमारी क्षेत्रीय बोलियों से ही आए हुए शब्द हैं, इसीलिए हम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और जो दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आकर रहे, उनकी जो भाषाएं थी, उनके शब्द हमारी भाषा में मिल गए हिंदी में, तो वे शब्द विदेशी शब्द कहलाए। इसके बाद अगला हमने प्रकार पढ़ा था संकर शब्द। संकर शब्द वे हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों का प्रकार, सॉरी अर्थ के आधार पर पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन मीनिंग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द, समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, संसद, सम्राट, यानी केवल एक ही अर्थ प्रकट करता है शब्द। जैसे अगर पैन, पंखा, दरवाज़ा, इन शब्दों का नाम लेने पर हमारे सामने वही वस्तु या वही व्यक्ति के बारे में हमें ध्यान आता है हमें, तो इसका मतलब होता है कि उसके कोई और रूप नहीं है, कुछ और उसका प्रकट अर्थ नहीं होता, तो एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक शब्द को लेते हैं, ये जो शब्द है उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे अंक गिनती के नंबर्स के लिए भी यूज़ में आते हैं, संख्या के लिए। अंक कहते हैं किसी चीज़ का भाग, और नाटक का जो कड़ियाँ होती है, अलग अलग भाग होते हैं उसे, उसके नाटक के, उसके लिए भी अंक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह सर, जो कि एक शब्द है लेकिन उसके कई अलग अर्थ होते हैं, जैसे सर जो शब्द है उसका प्रयोग तालाब के लिए करते हैं, चिंता के लिए करते हैं, बाण के लिए। इसके अलावा हम जो टीचर को बोलते हैं या किसी बड़े व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं उसे भी सर कहते हैं, और इसी के साथ हम जो अपने सिर के लिए या माथे के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार इन शब्दों के कई सारे अर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, जिनके ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उत्तम शब्द है, अब उत्तम शब्द का और भी कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं, जैसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बढ़िया, उम्दा। इस प्रकार एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं जिन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है पक्षी, जिसे पंछी, खग, बिहग भी कहते हैं। शोभा यानी सौंदर्य, सुंदरता, सूषमा, इसके अर्थ है शोभा शब्द के। इसी प्रकार अंबर जो शब्द है उसके कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे आकाश, गगन, नभ, व्योम। इस प्रकार ये सारे अंबर शब्द के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार हवा को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे वायु, समीर, अनिल, और कमल को भी हम कई नामों से पुकारते हैं, कई बोलते हैं, जैसे पंकज, जलज, वारिज, अंबुज, नीरज, नीरज, तोयज। तो इस प्रकार जो कमल शब्द है उसके भी कई सारे नाम हैं, कई सारे अर्थ हैं। घोड़ा को हम अश्व, हाय, तुरंग भी कहते हैं। इसी प्रकार भूमि को पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती, वसुंधरा, इन नामों से भी जानते हैं। तो इस प्रकार एक ही शब्द के जब कई सारे अर्थ हों तो वह अनेकार्थी या पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाता है। अनेकार्थी तो हो जाएगा इसके बहुत से अर्थ निकलते हो, लेकिन एक ही चीज़ को बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द, तो जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं वे विलोम अथवा विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थ का विलोम अनर्थ हुआ, उर्वर का ऊसर। उर्वर कहते हैं उपजाऊ जमीन, और बंजर जमीन जहाँ पर कुछ नहीं उगता उसे ऊसर कहते हैं। सुख और दुख विपरीत अर्थ है दोनों। घात का प्रतिघात, अनुराग का विराग, रक्षक का भक्षक, अनुज का अग्रज। अनुज जो कि छोटा भाई है उसके लिए यूज़ किया जाता है, अग्रज यानी बड़े भाई के लिए यूज़ किया जाता है। शयन यानी सोना, जागरण यानी कि जागना, रात का उल्टा दिन। इस प्रकार जब दो विपरीत शब्द साथ में आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग अर्थ, विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए उन शब्दों को विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद समरूपी श्रुति या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी दिखने में रूप एक जैसा लगता है, सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, वे श्रुति सम या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण करने में एक जैसे लगे परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वे समरूपी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह, ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य, या फिर हम कई बार कई लोग गलत प्रयोग करते हैं होमवर्क के लिए ग्रह कार्य बोलते हैं, जबकि जो मूल शब्द है वह गृह होता है। गृह यानी कि घर या आवास, तो घर पर किया जाने वाला काम गृह कार्य। अब यहाँ ग्रह तो होता है कोई पिंड या पृथ्वी या जिस प्रकार के नक्षत्र हैं उन्हें हम ग्रह बोलते हैं, जबकि जो घर है उसके लिए गृह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कर्म और क्रम, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं इनके। क्रम का मतलब है काम या कर्म का मतलब है काम या कार्य, और क्रम का मतलब होता है एक निश्चित क्रम यानी एक निश्चित सिलसिला होना, एक निश्चित उनको ऐसे व्यवस्था में रखना कि उनके एक के बाद एक आते हों। इसी प्रकार अगला प्रकार है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि अर्थ के आधार पर छठा भाग है, इसका छठा भेद है शब्द का। तो अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अगला छठा प्रकार होता है शब्द का। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अच्छे भाग्य वाला, यानी कि इसका एक अर्थ में हम क्या, एक शब्द में हम कहेंगे सौभाग्यशाली। ऐसा जिसकी कोई कीमत ना हो उसे कहेंगे अमूल्य। इसी प्रकार
जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है। तो इस प्रकार बहुत से शब्द समूह हैं जिनके लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अगला प्रकार है रचना के आधार पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द को। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम परंपरा से पहले से प्रयोग में लेते आ रहे हैं और उनके जब हम टुकड़े करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ी से बने हुए, परंपरा से चले आ रहे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, अब रात का जब हम नाम लेते हैं तो अंधेरा, जो कुछ सूरज नहीं होता वही वक्त ध्यान आता है। किसी प्रकार दिन, जो सूर्योदय का समय होता है। पुस्तक शब्द यानी कि किसी किताब के लिए, किसी ऐसे कलेक्शन ऑफ पेजेस की जिसपे कुछ लिखा हुआ छपा होता है, प्रिंटेड होता है, उसी के लिए हमें ध्यान में आता है। घोड़ा जो कि जानवर विशेष है, यानी हम घोड़ा बोलते हैं तो हम गाय की तरफ तो नहीं देखेंगे, या गाय का या कुत्ता या इस तरह के दूसरे जानवर का ध्यान तो हमारे में नहीं आएगा। तो इस प्रकार जिन शब्दों का हम नाम लेते हैं उन्हीं की छवि या उन्हीं का चित्र हमारे सामने आता है, तो वह कहलाता है रूढ़ शब्द। अब इनका वर्ण विच्छेद करने पर, जैसे रात जो शब्द है उसके टुकड़े करने पर, र आ और त, इनके जब टुकड़े करते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो ये कहलाते हैं रूढ़ शब्द। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बनाए जाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी दो अलग अलग शब्दों के योग से बनते हैं और अलग करने पर भी उनका अपना अर्थ होता है और मिलकर भी वे अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी या नॉलेज, लेकिन जब इसको दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाता है विज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान, जो कि मुख्य रूप से साइंस के लिए यूज़ में आता है। इसी प्रकार राज और कुमार। राज जो शब्द है वह ऐसे व्यक्ति को या ऐसे परिवार के वंश को दिखाता है जो राज्य करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं। कुमार यानी कि लड़के के अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है। अब जब राजकुमार, तो इसका मतलब कि एक परिवार विशेष, वंश विशेष से संबंध रखने वाले लड़के के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार विद्या और आलय। विद्या का मतलब हुआ ज्ञान, शिक्षा। आलय यानी गृह या घर या आवास। तो विद्या का जहाँ आवास है, विद्या का जो घर है यानी जहाँ विद्या सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वह हुआ स्थान विशेष यानी विद्यालय। यानी इसके टुकड़े करने पर शब्द के अपना अर्थ दे रहे हैं और मिलकर भी एक अलग अर्थ देते हैं। इसी प्रकार पीतांबर, यानी जिसके कपड़े पीले हैं, पीत यानी कि पीला और अंबर यानी कि कपड़े, तो ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े पीले हैं। तो इन शब्दों से हम उपसर्ग प्रत्यय के योग से भी बना सकते हैं। ये जो शब्द हैं उपसर्ग या प्रत्यय, आगे जो शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रकार है योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द या यौगिक होते हुए भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी बनते तो ये शब्द भी दो शब्दों से मिलकर हैं, लेकिन उनका जो मूल अर्थ होता है उससे हटकर वे अलग अर्थ देते हैं, जिनके लिए वो एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ी बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं पंकज। पंकज, पंक और अज दो शब्दों से मिलकर बना है। पंक का मतलब होता है पंक प्लस जय। पंक यानी कीचड़, जय यानी जन्म लेने वाला। इन दो शब्दों से मिलकर बना पंकज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन ये केवल पंकज जो शब्द है केवल कमल के लिए प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार ये विशेष अर्थ दे रहा है, इसका जो सामान्य अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये शब्द
ये अर्थ इसका मूल अर्थ नहीं होगा, बल्कि एक विशेष जो रूढ़ी बन गया है, यानी कमल के लिए ही प्रयोग में लाने जाने लगा है शब्द, तो इस प्रकार ये योग रूढ़ शब्द हुआ। इसी प्रकार नीलकंठ, इसके अगर टुकड़े करेंगे तो नील और कंठ, इसका सामान्य अर्थ होगा नीला है कंठ जिसका। लेकिन ये जो शब्द है मुख्य रूप से या एक रूढ़ी के रूप में भगवान शिव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार योगिक होते हुए भी उसके जो मूल अर्थ है उसे प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम बहुव्रीहि समास में भी पढ़ते हैं, जो मूल अर्थ न देकर अलग और विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार अब तक हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या समानार्थी और विपरीतार्थी। एक प्रकार है समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक, और एक जो अनेक शब्दों के लिए एक रूप शब्द का प्रयोग, वो अर्थ के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा। इसके बाद हमने रचना के आधार पर कि जो रचना हुई है शब्दों की, उसके आधार पर जो रूढ़ शब्द है यौगिक और योग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा। अगला प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।